हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं फेसकैम वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि मेरे सेटअप पे कुछ काम चल रहा है जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। दूसरा यह कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो दो तीन दिन तक आप ऐसे ही वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फेसकैम वीडियो दे पाऊँगा। दोस्तों, मैंने रिंग लाइट को जो है सो परचेस किया है अमेज़न से, उसका जो है सो बहुत जल्दी मुझे डिलीवरी होने वाला है, यानी कि कल वो मिल जाएगा। तो मैं आपको उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी दूंगा और उसके बाद सेटअप पे जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फेसकैम वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज है संडे नहीं है, आज मंडे है, क्योंकि संडे को मैंने वीडियो बनाने का सोचा था, फिर वीडियो नहीं बन पाया। सो आज मंडे को कमेंट बॉक्स वीडियो में ला रहा हूं, जिसमें आपके कुछ कमेंट्स लिया हूं और वही सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूं। सो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, पर मैं उसी कमेंट को लिया हूं जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिससे आपको हेल्प हो सकता है। सो चलिए सबसे पहला कमेंट देखते हैं कि किसका है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहला कमेंट है एसएन टेक की तरफ से, भाई आप कहां से हो भाई प्लीज। तो मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार में ही शुरू से रह रहा हूँ और अभी भी मैं बिहार में ही हूँ। नेक्स्ट कॉमेंट है टिंकू वायरल टेक, तो ये बोलते हैं कि भाई बीटा स्टूडियो में वीडियो कैसे अपलोड करें, इस पर एक फुल वीडियो बना दीजिए। तो मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बीटा वर्जन में आप यूट्यूब पे कैसे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अमित भाई की तरफ से, भाई दो दिन में सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं, 60 सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं, आज 100 सब्सक्राइबर कम हुए हैं। तो ये सब्सक्राइबर्स कम सबके हुए हैं, और ये कम इसलिए हुए हैं कि जो जो लोग का अकाउंट बंद हो जाता है और वो सब्सक्राइब आपके चैनल को करके रखे रहते हैं, यूट्यूब उसे रिमूव कर देता है। मान लीजिए कि आपका चैनल 100 लोग सब्सक्राइब किया है, उसमें से 10 लोग जो सब्सक्राइब किए हैं उसका ईमेल अकाउंट यूट्यूब ने बैन कर दिया है, तो वो 10 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब कम कर देता है। इसीलिए आपके कुछ सब्सक्राइबर्स कम हुए होंगे, मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हुए हैं। तो इसके लिए कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रियल सब्सक्राइबर्स है, आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जिसका अकाउंट एक्टिव है, वो सब्सक्राइबर्स आपको कभी भी रिमूव यूट्यूब नहीं करेगा। नेक्स्ट कमेंट है नॉलेज ज्ञान हिंदी, ये बोलते हैं कि भाई प्लीज छोटी वीडियो बनाओ, दो वीडियो बना दो अगर मतलब कि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाता हूँ तो। तो ये उन वीडियो पे कमेंट किए थे जिसपे मैंने बताया था 20 यूट्यूब चैनल के टॉपिक्स के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें और चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि 20 टॉपिक मैंने आपको बताया, इसलिए वह वीडियो बड़ा बना है। वैसे जो वीडियो जितने लाइक होते हैं उतने लंबे वीडियो बन ही जाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर छोटी टॉपिक होते हैं और उसे एक्सप्लेन करना जरूरी होता है तो मैं वीडियो को लंबा करके एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, जो मैं वीडियो को लंबा करूंगा तो कोई प्रॉब्लम या कोई फ़ायदा मुझे होगा। सो जैसा वीडियो होते हैं उस हिसाब से मैं वीडियो को बनाता हूं। नेक्स्ट कमेंट है न्यूक्लियर टेक, भाई तुम बिहार से हो क्या? हाँ भाई, मैं बिहार से हूं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है। नेक्स्ट कमेंट है इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ब्रो हाउ एड कस्टम थीम लाइक योर टू ब्लॉगर। मतलब कि ये बोलना चाहते हैं कि मैं अपने ब्लॉगर पे जो कस्टम थीम लगाया हूँ वो कैसे लगाया हूँ। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड पे मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप वो थीम को लेकर आप अपने ब्लॉगर पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है उस्मान ब्लॉग नेटवर्क, ब्रो आई बटन कैसे लगाते हैं, वीडियो बनाना प्लीज पुराना सब्सक्राइबर्स। मैं आपको बता दूं कि आप पुराना सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरे चैनल पे पहले ही वीडियो बना हुआ है जिसमें मैं बताया हूँ कि YouTube चैनल पे आई कार्ड वाला जो बटन होता है वो कैसे यूज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो आप जाकर उसे देख लीजिए, आई कार्ड पे वो वीडियो मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट इन्हीं का है, ब्रो मेरा चैनल शायरी का है, मैं दूसरों की वीडियो के छोटी सी क्लिप यूज करता हूँ, कॉपीराइट नहीं आया, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? बिल्कुल चैनल मोनेटाइज होगा, छोटी सी क्लिप आप यूज कर सकते हैं, पर यूट्यूब क्या बोलता है कि 5 सेकंड का कोई भी म्यूजिक और 5 सेकंड का कोई भी वीडियो का क्लिप यूज कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि लंबे वीडियो का क्लिप यूज कर लेते हैं जिसके वजह से कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप शायरी की छोटी सी क्लिप यूज करते हैं तो अगर आप वो क्लिप खुद से बना सकते हैं तो खुद से आप बना लीजिए, या आपको बहुत सारे फ्री में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है कि कहाँ से आप फ्री में वीडियो और फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट, यानी कि कोई भी कॉपीराइट आपके वीडियो पे नहीं आएगा। उसका भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉमेंट है हार्दिक पटेल, ये बोलते हैं कि ब्रो वीडियो सो यूजफुल फॉर मी एंड यूजफुल वीडियो,
सो थैंक यू सो मच भाई, ऐसे वीडियो पे आप लोग लाइक करके सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं 20, आप लोग जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है वी टेक एंड्रॉइड टिप्स भाई की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, आपका वीडियो मस्त है, थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट कमेंट है हीना भास्कर की तरफ से, ये बोलते हैं कि फूड ब्लॉग में सिर्फ फूड ब्लॉग के रिलेटेड एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं या किसी भी चीज का, प्लीज रिप्लाई। आप किसी भी चीज का जो है सो लिंक एफिलिएट डाल सकते हैं, क्योंकि फूड ब्लॉग में अगर आप एफिलिएट लिंक डालते हैं सिर्फ फूड का, तो ज्यादा वो जो है सो बाय नहीं होगा, आपको अर्निंग नहीं होगा। आप हर चीज के, हर टॉपिक पे, हर कैटेगरी में से एक एक प्रोडक्ट को आप अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मार मोटिवेशन वर्ल्ड, ये बोलते क्या भाई 100K सब्सक्राइबर्स करने के बाद सब वीडियो को डिलीट कर दिया यूट्यूब से, और अपना कोई भी कॉमेडी या कोई भी वीडियो डालकर क्या मोनेटाइज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, प्लीज आंसर। हाँ हाँ, मैं टिकटॉक वीडियोस नहीं डालता, फिर भी क्या कमा सकते हैं, मैं जैसा कहा पता नहीं क्या नीचे लिखे, पर हाँ आप जो है सो अर्निंग कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर बता दूँ, किसी के भी वीडियो को आप अपने चैनल पे मत अपलोड कीजिए। कोई भी वीडियो को अगर आप अपने चैनल पे अपलोड करते हैं किसी और का वीडियो का, सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएंगे, पर आपका चैनल कभी भी डिलीट कर देगा यूट्यूब, और कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब बोलता है कि आपका 100% कंटेंट जो है वो आपका ही रहना चाहिए। अगर आप जो भी वीडियो को अपलोड करते हैं डिलीट करते हैं तो वो आप डिलीट कर देते हैं, पर यूट्यूब को पता रहता है कि कौन सा वीडियो आपने डिलीट किया है, कौन सा वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, कौन से वीडियो से कितने वॉच टाइम गेन किए हैं। सो ऐसा मत कीजिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज करके लॉन्ग टर्म में अर्निंग करना है तो आप अपने चैनल पे खुद का कॉन्टेंट डालिए। नेक्स्ट कमेंट है आरपी क्रिएशन की तरफ से, भाई वीडियो मस्त है भाई, बहुत मोटिवेशन मिला भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों यहाँ पर सब फ्री है, ये बोलना चाहते हैं कि इनके पास एक चैनल है और एक और चैनल बनाना चाहते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक मोबाइल नंबर से दो यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक नंबर से दो यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं होगा। जैसे ही आपने पहले चैनल को वेरीफाई किए होंगे, दूसरे चैनल पे जैसे ही जाएंगे वेरीफाई करने, तो वहाँ पर बोलेगा कि ये नंबर ऑलरेडी यूट्यूब पे जो है सो डल चुका है, इसे वेरीफाई हो चुका है, आप किसी और नंबर को डालकर वेरीफाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है मलिक कुस्तूर की तरफ से, मेरा अमेजन एफिलिएट अकाउंट बंद हो गया, क्या मैं उसी नेम से, ईमेल आईडी से, नंबर से अकाउंट बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अगर आप एक ही डिटेल से सब कुछ बनाएंगे तो उसको लगेगा कि आप जो है मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो वो फिर से किसी न किसी रीजन से आपका वो अकाउंट को बैन कर देगा। आप किसी और का डिटेल देकर, किसी और नंबर का जीमेल आईडी देकर आप बना सकते हैं, और उसी जीमेल आईडी से आपका वो एफिलिएट अकाउंट कभी भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट कमेंट है उस्मान ब्लॉग, नेटवर्क मोनेटाइज भी हो जाएगा, आई होप कि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, आप लोग सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक करके। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग के वीडियोस, नाइस ब्रदर, यू आर मेकिंग वेरी यूजफुल वीडियो फॉर, थैंक यू सो मच, ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहिए, और यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज, थैंक यू फॉर दैट, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको यूट्यूब को शुरू से लेकर लास्ट तक सब बताऊंगा कि कैसे चैनल बनाए जाते हैं, कैसे चैनल का लोगो बनाया जाता है, कैसे बैनर का थंबनेल बनाना जाता है, और चैनल आर्ट बनाया जाता है, ये सब मैं बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कमेंट है संदीप सिंह की तरफ से, ये बोलते हैं कि नो वॉइस नो फेस कैम वीडियो, चैनल मोनेटाइज हो सकता है एडुकेशन चैनल टाइप का कॉन्टेंट में। मैं आपको बता दूं कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग वीडियो देखने आते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, फेसकैम वीडियो नहीं बना रहे, फिर भी चलेगा, लेकिन उसमें वॉइस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले YouTube चैनल डायरेक्ट मोनेटाइज होता था, और अब रिव्यू करता है YouTube खुद, उसके बाद ही मोनेटाइज करता है। तो अगर आपके वीडियो में वॉइस नहीं होगा तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा। आप जल्दी से इसमें कोई भी, अगर आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, फेसकैम नहीं दीजिएगा चलेगा, पर वॉइस उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है VIP एडवाइस, यहाँ पर ये पूछ रहे सर विच APK यू यूज टू वीडियो एडिटिंग, मैं वीडियो एडिटिंग यूज करने के लिए फिल्मोरा और कैमटेसिया स्टूडियो 9 यूज करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है माय ग्रेट इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, अनबॉक्सिंग वीडियो यूज करने पर कॉपीराइट आएगा क्या? अगर आप किसी और का वीडियो यूज कीजिएगा तो जरूर आएगा, और अगर किसी प्रोडक्ट का आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं तो आपको कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को आप जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और उस कंपनी के बारे में कुछ निगेटिव बोल रहे हैं और वो कंपनी वाले को ये अच्छा ना लगे, तो वो आप पे क्लेम कर सकता है, आपको कॉपीराइट दे सकता है।
सो गाइज यही कुछ कमेंट्स थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।